Hello everyone, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy, and hope you are enjoying my classes. Enjoying? Very good. So, आज हम करने जा रहे हैं बच्चे English, ठीक है? So, आपको अपनी English फीस्टा की बुक ओपन करनी है एंड चैप्टर नंबर 12, द लिटिल गोरिल्ला. आज हम चैप्टर पढ़ेंगे गोरिल्ला का. So, मैम ने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, जल्दी से आप भी ओपन करो. मैम पेज नंबर बताओ. ओके, बता देते हैं. पेज नंबर इज बच्चे 666. Opened? Okay, so let's start the chapter. Gorilla ka chapter hai. Bahut interesting story hai. So, start kare? Yes. Once upon a time, there lived a little gorilla. Ek baar ki baat hai, ek chhota sa gorilla rehta tha. He loved eating bananas. Usse bananas khane bahut acche lagte the. He ate only bananas. Wo sirf bananas hi khata tha. तो क्यों खाता था? क्योंकि उसे बनाना खाने बहुत अच्छे लगते थे. He had bananas for breakfast. He had bananas for lunch. He had a bunch of bananas for dinner. अरे चाहे किसी को भी इतना अच्छा लगता हो, but वो तीनों टाइम तो वो चीज नहीं खा सकता ना. लेकिन जो गोरिल्ला था वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर टाइम क्या खाता था? बनाना बनाना बनाना. हर टाइम ही बनानास खाता था. He ate them with milk. अरे जब मिल्क पीता था तब भी बनाना ही खाता था. He ate them with juice too. Oh God, कितने बनानास खाता था ये, है ना? ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, मिल्क के साथ भी, जूसेस के साथ भी. क्या चाहिए था उसे? बनाना. अरे His mother didn't like this at all. अरे उसकी मदर और मैं तो बिल्कुल सेम है. हम दोनों को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी. आपको अच्छी लगी? नहीं लगी ना. अरे हर टाइम क्यों ना खाना चाहिए? She often said, "Stop eating bananas all the time." वो कहती भी रहती थी उसकी गोरिल्ला की मामा जो थी वो कहती रहती थी अरे बनानास खाना बंद करो, हर टाइम नहीं खाना चाहिए. तो अदरवाइज यू विल टर्न येलो सून, वरना तुम येलो हो जाओगे. आपको पता ना हमारी मम्मा को तुम्हारी बहुत केयर रहती है. ज्यादा मत खाओ, मोटे हो जाओगे. कम मत खाओ, तुम्हारे अंदर जान नहीं है, तुम मोटे नहीं होते हो, तुम पतले से हो. यही करती है ना मम्मा. अब ऐसी उसकी मम्मा को उसकी टेंशन हो गई थी. वो हर टाइम बनाना खाता था तो उसकी मम्मा कहती थी अरे बस करो बनाना खाना, इतने बनाना नहीं खाते, अदरवाइज तुम येलो कलर के हो जाओगे. तो लिटिल गोरिल्ला डिडंट लिसन टू हिज मदर. लेकिन जो गोरिल्ला था वो तो अपनी मम्मा की सुनता ही नहीं था. नेक्स्ट पेज पे आएंगे. One day it happened. और एक दिन ऐसा हो भी गया. क्या हो गया? The little gorilla turned sunny yellow. Oh, अब वो येलो कलर का हो गया. कैसा? थोड़ा थोड़ा सनी येलो हो गया. ठीक है. His friends laughed at him. अब उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसका मजाक बनाने लगे. फ्रेंड्स का तो मौका चाहिए बस, है ना? लेकिन ये गलत भी तो था ना, हर टाइम तो बनाना नहीं खाना चाहिए. तो वो उसके फ्रेंड्स जो है उस पर हंसने लगे क्योंकि वो येलो कलर का हो गया था. This made the little gorilla very sad. अब जब उसका मजाक बना तो बहुत ज्यादा sad हो गया. Soon he changed his food habits. अब उसने जल्दी अपने खाने के तरीके बदल दिए. कैसे? He ate apples, oranges and grapes. उसने apples खाने शुरू कर दिए, oranges और grapes खाने शुरू कर दिए. He ate leaves and vegetables too. उसने अपनी मम्मा की बात मानी. सारे फ्रूट, सारी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स उसने खानी शुरू कर दी. इन अ फ्यू वीक्स, और कुछ ही हफ्तों में क्या हुआ? He looked like his friends again. वो अपने फ्रेंड्स के जैसा दोबारा से दिखने लगा. His mother was very happy. उसकी मम्मा खुश हो गई और मैम भी बहुत खुश हुई. क्यों? क्योंकि वो बनाना ही खाते रहता था ना. अब वो अच्छा बच्चा बन गया. उसने अपनी मम्मा की बात मानी. पहले तो मानी नहीं थी, जब येलो कलर का हो गया तब बात मान ली, है ना? चलो चैप्टर अच्छा लगा आपको? मैम को भी अच्छा लगा. सो आपको चैप्टर समझ आया ना? पक्का? ओके. सो फिर टिक द करेक्ट अपने आप कर लेना. सिंपल टिक द करेक्ट बच्चे अपने आप करोगे ट्राई. मैम असाइनमेंट आपको पता ना सेंड करती हैं बाद में, बट मैम आपको इसलिए कहती हैं इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है. ठीक है. आफ्टर दैट ट्रू फॉल्स भी आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे. फिल इन द ब्लैंक्स भी अपने आप प्रैक्टिस. किस में करोगे? ओनली बुक, क्योंकि ये बुक वर्क है. ठीक है. और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस किस में करेंगे? नोटबुक में. ठीक है. ट्राई करना इन्हें भी सॉल्व कर सको. मैम नहीं कहती है कि एक्यूरेट आंसर दो, बट आप ट्राई करो कि हिंदी में उसको आंसर कर सको, ताकि मैम को बस इतना पता लगे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए और मैम अच्छे से पढ़ा रही हैं. ठीक है. ओके. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.